दो चार दिन है और ये ख्वाबों का सिलसिला, दो चार दिन है और ये ख्वाबों का सिलसिला, फिर हशर तक रहेगा अजाबों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद मोहतशिम शेख और एक और ब्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज सेलिब्रेशन वीक का दूसरा डे और आज कमेंट्स होंगे, जो कमेंट्स दिए जाएंगे, सिग्नेचर वॉल है और बाकी और भी चीज़ें हैं जो आज हम दिखाएंगे। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कैसे टीचर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था हमारे साथ कि हमारा 4 साल एक्सपीरियंस कैसे रहा स्टूडेंट के साथ, तो आज कमेंट्स देंगे एक दूसरे को। तो ये दूसरा डे होगा आपका सेलिब्रेशन वीक का, तो मज़ा आएगा, आपको भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा और आपको सारे सीन दिखाएंगे कि क्या आज होगा पूरे डे में। तो हमारे साथ है इरफान भाई, कुछ बोलेंगे? जी भाई बिल्कुल, जैसा ही आपने कहा कि आज कमेंट्स डे है, तो इंशाल्लाह आज भी कल जैसा ही आज भी प्रोग्राम वैसे इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद यही है कि बेहतर हो जाएगा कमेंट्स डे भी आज इंशाल्लाह। पिछला ब्लॉग जो था, पिछला जो डे था, वो भी बहुत अच्छा इवेंट हमारा कवर हो गया था और आज सेकंड है, वो भी अच्छा इवेंट कवर होगा। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं सारी चीज़ें कैसे अरेंज करी गई हैं और क्या क्या आज होने वाला है, तो लेट्स गो। मैं आज फिर से अरेंज करा, सेट करा, ये सारे आ गए। ये देखो الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان। हमारे पास जो है काफ़ी सारी टी शर्ट्स हैं, हर स्टूडेंट के नाम के साथ उसकी पर्टिकुलर एक टी शर्ट है जिस पर रोल नंबर पर लिखा हुआ है, वो हम वन बाय वन हर स्टूडेंट से साइन करवाएंगे। भैया वन बाय वन सबकी शर्ट्स पे सिग्नेचर हो रहा है, ये सारे स्टूडेंट सारे दोस्त हैं, सबकी रैंडम है ना, रैंडम यहाँ से चल रही है शर्ट्स और इन पे सिग्नेचर करने जा रहा है। पीछे में ना नाम लिखा है रोल नंबर के साथ। भाई अगली शर्ट जो है वो बन रहा है जिसको आप चीज में नखरे होते हैं, इसका नाम है अब्दुल मुईन। अच्छा जो नेक्स्ट शर्ट है जो है हम प्यार से लंबी भी कहते हैं क्योंकि हर किसी की लंबी लंबी करते हैं, ये हमारे सियार भाई बारी के लिए, ये रहा बंदा भाई किसके लिए। दो चार दिन है और ये ख्वाबों का सिलसिला, दो चार दिन है और ये ख्वाबों का सिलसिला, फिर हशर तक रहेगा अजाबों का सिलसिला। शादी करने के बाद ये वो बंदा है इसके आए दिन किडनी में कोई ना कोई मसला, सारी पर्चियां हैं आप देख सकते हैं, तो मैं सबको शपन करूंगा और जो भी मैं बंदा आएगा जिसकी भी पर्ची वो उठाएगा उसके बारे में वो कुछ ना कुछ कमेंट पास करेगा। सर दूसरा नाम है अब्दुल्ला का। सर ये वो है जिसको 4 साल समझा के तक के बाइक चलाना सीख ले। हमारी बच्ची तो कल कोई और रोहतक पे तंग करे। सही ध्यान है बच्चा। सर इस बंदे की एक बात गलत है सर, एक बात गलत है इसकी बात, बाकी सारी बातें अच्छी। सर यहाँ तक पेंट शर्ट पहन के नहीं आया यूनिवर्सिटी। मेरे पास जब बंदा आया है मैं इससे फिर वही सवाल करूंगा किसने मुझे अभी तक नहीं बताया कि हैदराबाद में रहने वाला है। भाई मेरे पास जो नाम आया हुआ है जैनब का नाम, जैनब के साथ कभी बात को वगैरह हुई नहीं है नहीं, पर जैनब से जब भी सवाल पूछते ना वहीं हो जाती है। दोनों के लिए इतना उसके बारे में पता है, बहुत खुशी है हमारे।
यार मोतीशिम के बारे में क्या कमेंट करें, सबसे ज्यादा तो सर ये कि ये जब भी बाइक पे बैठते हैं ना तो ये से करके बैठते हैं, बैठते हैं सबके लिए डर लगना नहीं चाहिए, खुद भी राइडिंग करते हैं लेकिन ये जब भी बैठेंगे ना हमारे साथ तो ये ऐसे पकड़ के बैठते हैं तो लगता है किसी बुजुर्ग को बैठा दिया। मेरे पास सायमा का नाम आया, तो हमारे चार साल का जो जर्नी था इसके अंदर सायमा जो है वो स्टार्टिंग में तो इनकी एब्सेंस रही है, खामोश तबीयत है ये बेसिकली, और कभी भी कुछ पूछते हैं तो थोड़ा एक सेकंड रुक के रिस्पांस करती हैं लेकिन मतलब ठीक तरह से रिस्पांस करती हैं। अहमद बिन जावेद, जब भी हम कभी प्रेजेंटेशन के अंदर या किसी देश में रह जाते थे तो साथ साथ हमारे साथ साथ ये भी रह जाते थे, खुशी होती थी कि हमारे क्लास का मॉनिटर हमारे क्लास का अहमद भाई खुद हमारे एक रह जाता था हमारी वजह से, हर चीज के अंदर एक्टिविटियों में हर चीज में आगे से आगे रहे। और उठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको कब कौन कहेगा। ये हमारे मोतीशिम भाई आए हैं कमेंट्स के लिए। मोतीशिम भाई किसकी पर्ची है? अहमद बिन जाफर, सही बंदे के पास आई है पर्ची। अहमद बिन जाफर भाई, अहमद बिन जाफर के साथ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। इतफाक़ हमारी कोविड में, जैसे कोविड में इसमें हमारी दोस्ती हमारा ग्रुप बना था, तो शुरू शुरू में होता था बहुत सारी चीज़ों पे हमारी बनती नहीं थी, इतफाक नहीं करते थे, और कभी कभार ऐसा होता था एक से टॉपिक पे जब बात हुई उसमें ज्यादा वस्तु चली जाती थी और लड़ाई तक पहुँच जाती है। अच्छा, होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज करा, फिर मैंने जब भी कोई दुख होती है कभी भी कोई बात होती है मैं बोलता हूँ जी जी सही बोल रहा है, दावेदार दावेदार ये होता है। सबको उनके नाम के बारे में अली, सबसे पहले आ जाए महाज छिपा आसिम का टैग है, ड्यूड यार तला भाई, तला भाई का टैग है मुजाहिद, साथ साथ में रहो अरे वास अब्दुल बारी का, अब्दुल बारी का टैग है स्मार्टी, स्मार्टी ओ स्मार्टी बॉय, हमारे पास उम्मीद है मदद सारी की उनका टैग है एंटरटेनर, आ जाओ हमारा अली हैदर हार्ट बीट ओके गाइस, हमारे पास है इरफान अली इनका टैग है क्रिप्टो अलर्ट, ये बाबू भाई और इनका टैग है बड़ा भाई, ये पूरी क्लास के बड़े भाई हैं, साइज में बड़े भाई। हमने शर्ट पहन लिया जो साइन वाइन कराई थी, और आज का एक घंटा छोटा सा जो हमने सेलिब्रेट करा। ये था आज का सेलिब्रेशन वीक का सेकंड डे जो एंड हो गया, तो हमने एंजॉय करा, सबको कमेंट्स दिए, सबके बारे में बताया कौन कैसा है, कैसा रहा चार सालों में, और गेम्स खेले छोटे मोटे। अब प्रॉपर जो कल होगा गेम्स डे है, और आज कमेंट्स कुछ रह गए तो कल दे देंगे, और गेम्स फुल प्रॉपर गेम्स जो होगा। तो सेकेंड डे था सेलिब्रेशन वीक का, कल थर्ड डे होगा, तो हमारे साथ जैसे आज बने रहते आप कल भी बने रहिएगा, तो तीसरा दिन भी बहुत मज़े का होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।